हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। सो मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे गर्ल्स के मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में एक ब्रेड हेयर स्टाइल शेयर करूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं यूनिक एंड क्यूट सी ब्रेड हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये हेयर स्टाइल बनाना। इसके लिए आपको फर्स्ट साइड में इस टाइप से अपनी हेयर कर लेनी है। अब फ्रंट से आपको सेक्शन को अलग कर लेना है, जो भी आपके बैंग्स है उतना आपको अलग कर लेना है। अब इसको ट्विस्ट करके आपको सिक्योर कर लेना है, ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे हेयर स्टाइल बनाने में। अब थोड़े से हेयर स्टाइल इसके बाद लेना है आपको। इसके साथ आपको छोटा सा पफ क्रिएट करना है। पफ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आप फिर भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम हमारे फ्रंट हेयर को लेंगे, जो भी हमने सिक्योर किया था, इसको आपको टू डिवाइड करना है। देन इसको ट्विस्ट करना है, अगेन आपको थोड़े से हेयर ऐड करना है, देन ट्विस्ट करना है। उसके बाद अगेन आपको थोड़े से हेयर ऐड करते हुए इस टाइप से ट्विस्ट करते हुए आपको ईयर तक ले जाना है। अब जब आप ईयर तक आ जाएंगे, तो आपको अपने फ्रंट में जो ट्विस्ट किया अपने हेयर, उसको अच्छे से आपको पुल करना है, ताकि आपका जो फ्रंट है वो थोड़ा सा फ्लफी एंड थोड़ा सा बाउंसी नज़र आए। बाकी की जो लेंथ है, हम उसको ट्विस्ट करते हुए पीछे की साइड इस टाइप से आपको सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के लिए आप टिक टैक पिन या बॉबी पिन यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी साइड की हेयर को ले लीजिए आप। अगेन हमने जो फ्रंट में बनाया था, वैसे ही आपको ट्विस्ट करते हुए हेयर ऐड करते हुए ये अगेन बनाना है। अब वापस आपको ट्विस्ट करते हुए लेना है एंड थोड़े से हेयर पुल कर लीजिए, एंड पीछे की साइड आपको ऐसे सिक्योर कर लेना है। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से रेडी हो जाएगा। अब आप अपने बाकी की हेयर को एक साइड कर लीजिए, लेंथ को इसको टू डिवाइड कर लेना। एक सेक्शन थोड़े कम बालों का होना चाहिए, एक सेक्शन ज़्यादा बालों का होना चाहिए। जो कम बालों का सेक्शन है, उसमें 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनानी है। ब्रेड बहुत ही पतली सी बनेगी, उसी लिए कम बाली लेने हैं आपको। सो अब ये मैंने सिक्योर कर लिया है बॉबी पिन के साथ। इसको अभी थोड़ा सा आप साइड में कर लीजिए, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। जो ज़्यादा बाल आपने सिक्योर किए हैं, जो ज़्यादा बाल आपने साइड किए थे, उससे आपको डच ब्रेड बनानी है। रिवर्स में जाती है डच ब्रेड, एंड 3 स्ट्रैंड ब्रेड होती है वो ऊपर की साइड आती है। डच ब्रेड बनाएंगे एंड इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको लेंथ तक ले जाना है, जितनी भी आपकी चोटी चाहिए। इसको मैं अभी सिक्योर कर लूँगी। अब इसको ज़्यादा पुल करना है आपको, लाइक ये थोड़ा सा मोटा सा एंड हैवी सा लगे, फ्लफी सा लगे। ये कुछ इस टाइप से आपको जितना भी आप करना चाहते हैं, उतना आपको इसको पुल करना है। एंड जो ब्रेड है वो थोड़ी सी हैवी लगनी चाहिए। अब जो हमारी पतली वाली ब्रेड थे, उसको हम सिक्योर करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ यू पिन, जो कि छोटा वाला यू पिन है। इसकी परचेज लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, इसे मैंने नायका से लिया था। अब आपको बीच बीच में इस टाइप से रखते हुए एकदम मिडिल पार्ट में आपको ब्रेड को सेट करना है। अब मैं दोनों जो ब्रेड है उसको एक साथ सिक्योर कर लूँगी रबर बैंड से। सो हमारा ये हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है। थोड़े थोड़े से बाल आपको सामने से ले लीजिए, ताकि फ्रेमिंग हो जाए आपके फेस की। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हेयर स्टाइल है। इसे आप ऑफिस के लिए कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही नॉर्मली अगर आप ब्रेड करना पसंद करते हैं, तो साइड ब्रेड आप इस टाइप से बना सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट भी लगने वाला है एंड लोग सोचेंगे कि आपने इसे कैसे तैयार किया है। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।